नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल कितने ब्रांच है उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यह जो चुनिंदा जो 4 से 5 ब्रांच है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल कितने ब्रांच है? आज आप सभी के लिए हमने पूरे ब्यौरा लेकर आए हैं कि आप सभी को टोटल ब्रांच कौन कौन से हैं, कितने कटअप पर आप सभी को यह सभी ब्रांच मिल जाएंगे उसके बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। दोस्तों, यह 4 से 5 ब्रांच सभी लोग जानते हैं, फेमस है, लेकिन क्या आप सभी को, आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम, बिहार के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल ब्रांच आखिरकार कितने हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, कितने ट्रेडों को पढ़ाए जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के कॉलेजों में, यह जानना आप सभी को बेहद ज़रूरी है। चलिए, आप सभी को बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यह जो 1, 2, 3, 4 और 5 यह 5 ब्रांच को आप सभी जानते हैं, तो आज मैं 5 ब्रांच को छोड़कर बिहार में टोटल कितने ब्रांच को और पढ़ाया जाता है उसके बारे में मैं आप सभी को बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, 5 ब्रांच को छोड़कर आप सभी को अगर अभी तक नहीं पता है तो आप सभी को बता दूं बिहार पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांच है। तो वह है गारमेंट टेक्नोलॉजी जो है जीपी मुजफ्फरपुर में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में जीपी गारमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ाए जाते हैं। आप सिर्फ ब्रांच को, ट्रेड को चुनिएगा, ठीक है, गिनिएगा। 1 ब्रांच यहाँ हो गया। उसके बाद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का मतलब कपड़े के डिज़ाइनिंग के लिए भी, इसके लिए भी पढ़ाए जाते हैं मुजफ्फरपुर में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में। तो ये लेके 2 ब्रांच हो गया आप सभी का। उसके बाद आप सभी का तीसरा है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के भी कोर्स करवाए जाते हैं बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 4th नंबर आप सभी का यहाँ पर हो गया, गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन डिज़ाइनिंग, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, ये 4 आप सभी के ब्रांचेस हो गए हैं। अब जो आप सभी का है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंसिप, यह 5वां ब्रांच आप सभी का जो है बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, अभी वहाँ पे आप सभी ने देखा कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का ये 5 ब्रांच, और यहाँ पर अभी तक आप सभी ने यह सभी ब्रांचों का नाम नहीं सुना होगा, तो आज की इस वीडियो में आप सभी ने सुन लिया है कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जो है ना, यह सभी ट्रेड से पढ़ाए जाते हैं। और यह सभी ट्रेडों में बहुत ही कम नंबर लाने पर भी आप सभी को जो है ना एडमिशन मिल जाता है। बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक भय बैठा हुआ है, एक अलग ही तरीका का बैठा हुआ है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ही स्कोप है, बाकी यह सभी ब्रांचों का स्कोप नहीं है। दोस्तों, जब किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो वह सभी काम का ही चीज़ होता है, वैसे वो फालतू नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं लेना पसंद करते हैं यह 5 ब्रांच आप सभी को हमने बताया। उसके बाद आप सभी को हम बता दें, 5 ब्रांच के बाद आप सभी का जो है, उसके बाद आप सभी का है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये हो गया 6ठा ब्रांच। उसके बाद आप सभी का हो गया सेरामिक इंजीनियरिंग, ये हो गया 6ठा ब्रांच, ना 7वां ब्रांच। उसके बाद आप सभी का प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 8वां ब्रांच। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद सेरामिक इंजीनियरिंग आप सभी का 9। उसके बाद आप सभी का जो है, उसके बाद टोटल जो है 9 इधर 5 14 ब्रांच है। दोस्तों, बिहार में टोटल ब्रांचों का जो संख्या है, टोटल ट्रेडों की जो संख्या है वो 14 है, जिसमें आप सभी लोग 4 से 5 ब्रांच के ही नाम जानते थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यही 5 ब्रांच में आप सभी एडमिशन लेने के लिए भी सोच रहे थे। दोस्तों, एक चीज़ मैं भी आप सभी को मैं बता दूँ, यह 14 ब्रांच है, यह 14 ब्रांच अगर इसका उपयोग में लाया जा रहा है, या 14 ब्रांच अगर दिया गया है, तो इसमें भी पढ़ाई होती है, इसमें भी स्कोप है। बिना स्कोप के कोई भी चीज़ों को निर्माण नहीं किया जाता है, ये चीज़ों को आप सभी समझे, किसी में स्कोप ज़्यादा होता है और किसी में स्कोप कम होता है, ये आप सभी के मन में यह सभी डाउट जो है यह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और आप सभी को मैं बता दूँ, अगर यह 14 ब्रांच में
सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यह सभी ब्रांच को अगर छोड़ दिया जाए और उसके बाद बात किया जाए कि यह सभी ब्रांच जो आप सभी के 8 से 10 जो ब्रांच अभी हमने आप सभी को बताया है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यह सभी जो ब्रांचेज हैं, यह सभी ब्रांचेज में आखिर कितना नंबर लाने पर आप सभी को एडमिशन मिल जाएगा यह सभी ब्रांच में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो आप सभी को साफ साफ मैं बता दूँ। जैसे कि आप सभी को पता है बिहार में टोटल आप सभी के नंबर होते हैं 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के प्रश्न होते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 5 नंबर दिए जाते हैं, तो 450 नंबर आप सभी का हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम नंबर पर बात किया जाए कि अगर 90 क्वेश्चन में अगर आप सभी फिजिक्स 30 नंबर, केमिस्ट्री 30 नंबर और मैथ 30 नंबर के पूछे जाते हैं, अगर आप सभी लोग सभी में से 10-10 नंबर टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर 90 क्वेश्चन में सही कर लेते हैं तो आप सभी को 100% आप सभी का यह सभी जो 14 में से 8-9 जो ब्रांचेज है यह सभी ब्रांचों में आप सभी का एडमिशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आप सभी को इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेना है तो कम से कम 90 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन को सही करना होगा, तब जाकर यह सभी 5 ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। अगर 8 ब्रांच के अंदर में आप सभी को एडमिशन लेना है तो कम से कम 30 क्वेश्चन को सही करना है। और दोस्तों अगर ये भी नहीं हो पाता है तो मैं तो लास्ट तक आप सभी को मैं एग्जाम से पहले एक तरीका बताऊंगा तुक्का मारने का, वो तरीका से तो आप सभी को 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यह चीज आप सभी क्या पहले से जानते थे कि बिहार में इतने ब्रांचों को पढ़ाया जाता है, क्या आप सभी जानते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यस, अगर नहीं भी जानते थे तो नो जरूर बताइएगा, और यह वीडियो कैसा आप सभी को लगा ये भी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।